Hello students, welcome to Logica Education. I am Divya Sadwani. So today we'll be dealing with 10 question series, 10 questions of judiciary. Now the topic which we are discussing today is CPC. Now Civil Procedure Court ke 10 questions aaj hum deal karne wale hain. So now coming to question number 1. Question number 1 bolta hai, affidavit is a statement in writing on oath whose executor is called. Now, आज जो हम questions के बारे में बात करेंगे वो बहुत direct questions हैं जो कि अगर आपने civil procedure code अच्छे से पढ़ा है तो आप बहुत easily इन questions को solve कर पाएंगे. Now, ये बात कर रहा है affidavit की. जब हम बात करते हैं affidavit की तो affidavit एक statement है in writing on oath. जो person affidavit बनाता है उसको क्या बोलते हैं, उसके executor को क्या बोलते हैं. Now, अब जो एफिडेविट के बारे में बात करता है वो है ऑर्डर 19 जो है सीपीसी का, वो डील करता है एफिडेविट के साथ. एफिडेविट मतलब होता क्या है? एफिडेविट एक रिटर्न स्टेटमेंट होता है जिसमें जो डेपोनेंट होता है उस पर्सन को, जो एग्जीक्यूट करता है एफिडेविट को, उसको डेपोनेंट बोलते हैं. और डेपोनेंट ये बोलता है कि जो भी सारे फैक्ट्स उसने बताए हैं, जो भी सारे स्टेटमेंट्स उसने बताए हैं वो ट्रू हैं और उसकी नॉलेज में हैं. ये सिंपल मीनिंग होता है एफिडेविट का कि वो सारे फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस के साथ फेमिलियर है. और उस पर्सन को जो एग्जीक्यूट करता है एफिडेविट को, उसको क्या बोलते हैं? डेपोनेंट बोलते हैं. तो आज हम ये पता करेंगे, अब जो डेपोनेंट है वो ऑप्शन सी में है. एप्लीकेंट कौन होता है? जो एप्लीकेशन फाइल करता है. प्लेंटिफ गलत क्यों है? क्योंकि वो प्लेंट फाइल करता है. और जो डिफेंडेंट है वो क्या है? जो डिफेंड करता है अपने आप को. प्लेंटिफ जो है वो प्लेंट फाइल करता है, डिफेंडेंट जो है वो अपने आप को डिफेंड करता है. इस प्लेंट का आंसर देता है इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट. तो इसीलिए जो डेपोनेंट होता है, डेपोनेंट कोई भी पर्सन हो सकता है. अब वो चाहे प्लेंटिफ भी हो सकता है और डिफेंडेंट भी हो सकता है क्योंकि दोनों पर्सन एफिडेविट तो दे ही सकते हैं. तो जो एग्जीक्यूट करता है एफिडेविट को उसको डेपोनेंट बोलते हैं. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 बात करता है व्हाट इज मेंट बाय कैवियट. अब कैवियट का आंसर पता करने से पहले कि कैवियट क्या होता है, बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन है कि कैवियट क्या होता है. नाउ कैवियट जो है वो दिया हुआ है 148 ए में. नाउ 148 ए जो है सेक्शन सिविल प्रोसीजर कोड का, वो डील करता है कैवियट से. अब कैवियट जो है वो नॉर्मली डिफाइंड नहीं है, इट इज नॉट एनीवेयर डिफाइंड इन सीपीसी. हाउएवर कैवियट इस बात से डील करता है, कैवियट एक राइट होता है पर्सन का कि एक्स पार्टी ऑर्डर जो है वो फाइल नहीं कर दे कोर्ट, कोर्ट ऑर्डर नहीं कर दे एक्स पार्टी ऑर्डर. नाउ एक्स पार्टी ऑर्डर क्या होता है? जब सिर्फ एक पार्टी को सुन के जो कोर्ट है वो फैसला दे देती है उसे कहते हैं एक्स पार्टी ऑर्डर. और जो सीपीसी है वो ये बोलता है, कैवियट मतलब ये होता है कि कोई भी जजमेंट जो है बिना किसी नोटिस दिए दूसरी पार्टी को, कैवियटर को, या कैवियटर को सुने बिना कोई भी जजमेंट पास नहीं किया जाएगा. नाउ अब हम देखते हैं कि क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं. नाउ राइट टू हियरिंग द एप्लीकेशन, राइट टू अपियर बिफोर द कोर्ट, और प्री नोटिस, ये सारी चीजें इंक्लूड की जाती हैं कैवियट में. क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, कैवियट एक एप्लीकेशन होती है, ये फाइल की जाती है कि एक्स पार्टी ऑर्डर पास नहीं किया जाए. तो इसमें यह है कि आपके पास राइट है, कैवियटर के पास ये राइट होता है कि उसकी एप्लीकेशन को सुना जाए. सेकेंडली उसके पास ये राइट होता है कि वो अपियर कर सके कोर्ट के पास, और उसको कोई भी जजमेंट देने से पहले, एक्स पार्टी ऑर्डर करने से पहले उसके पास एक नोटिस आना चाहिए. तो ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं कैवियट में, और इसीलिए द करेक्ट ऑप्शन इज डी. इसमें से कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है कैवियट को लेकर. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 बात करता है, ए रेसिडेंट ऑफ जयपुर वायलेट्स द कॉपीराइट ऑफ बी. नाउ अब ये कॉपीराइट के बारे में भी बात कर रहा है तो हम इसे मार्क कर देंगे. ए रेसिडेंट कहाँ का है? जयपुर का है. ये वायलेट करता है कॉपीराइट किसका? बी का, एन ऑथर एट उदयपुर. इन विच कोर्ट बी शैल फाइल सूट अगेंस्ट ए. नाउ इन दिस केस जो ये बी है ये प्लेंटिफ है क्योंकि ये सूट फाइल करेगा अगेंस्ट ए जो कि है डिफेंडेंट.
ना ये बात कर रहा है कि सूट फाइल कहाँ किया जाएगा। सूट फाइल कहाँ किया जाएगा मतलब ये बात हो रही है ज्यूरिसडिक्शन के बारे में। वी आर टॉकिंग अबाउट ज्यूरिसडिक्शन कि इन विच कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन रहता है टू फाइल अ केस। नाउ व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट ज्यूरिसडिक्शन, ज्यूरिसडिक्शन दिया हुआ है सेक्शन 20 ऑफ सीपीसी के, सेक्शन 20 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड में ज्यूरिसडिक्शन दिया है टू फाइल सूट्स। इसमें क्या दिया है कि जहां कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है, जहां भी कॉज ऑफ एक्शन सेक्शन 20 में दिया है, बोला है जहां कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है वहां फाइल हो सकता है सूट, और या तो जहां डिफेंडेंट रिसाइड करता है वहां फाइल हो सकता है सूट। ये दो चीजें दी हुई हैं कि ज्यूरिसडिक्शन सूट फाइल कहां किया जा सकता है। बट यहां हम पर से कॉपीराइट के बारे में बात कर रहे हैं, वी आर आल्सो टॉकिंग अबाउट कॉपीराइट। सो कॉपीराइट के बारे में सेक्शन 62 ऑफ कॉपीराइट एक्ट में भी दिया गया है, और ये जो सेक्शन 20 है इसमें ये लिखा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ अदर लॉ, मतलब अगर अदर लॉ में कुछ और भी दिया है तो वो अप्लाई किया जाएगा। और जहां कॉपीराइट एक्ट में अगर इसके बारे में दिया है सेक्शन 62 में दिया है तो वो चीज भी अप्लाई की जाएगी। नाउ सेक्शन 62 क्या बोलता है, सेक्शन 62 ये भी बोलता है कि जहां प्लेंटिफ रहता है वो वहां भी सूट फाइल कर सकता है। अब हम देखेंगे ऑप्शंस क्या अवेलेबल हैं। ऑप्शन ए इज जयपुर वेयर डिफेंडेंट रिसाइड्स, ऑप्शन बी इज उदयपुर, उदयपुर कहां है जहां प्लेंटिफ रिसाइड करता है, ऑप्शन सी इज ईदर ए और बी। अब जैसा कि अपन ने पढ़ा सीपीसी को लेकर और कॉपीराइट एक्ट को लेकर, अपन ये देखते हैं दोनों को मिला के ये पता चलेगा कि अपन जयपुर और उदयपुर दोनों में केस फाइल कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा ईदर ए और बी। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बात करता है डैश अराइज व्हेन अ मटेरियल प्रोपोजिशन ऑफ फैक्ट और लॉ इज अफर्म्ड बाय वन पार्टी एंड डिनाइड बाय अदर पार्टी। नाउ ऑप्शन ए इज डिस्कवरी, किसी भी चीज की डिस्कवरी ऐसी नहीं होती है कि अफर्म मतलब उस चीज को एक्सेप्ट करना, और डिनाई आप सबको समझ आता होगा कि किसी चीज को मना करना। नाउ डिस्कवरी अगर किसी चीज की हुई है तो कोई मना नहीं करेगा, तो डिस्कवरी जो ऑप्शन है वो रॉन्ग हो जाता है। सो ऑप्शन ए इज आउट ऑफ आवर लीग, हम इसको ऑलरेडी टर्मिनेट कर देंगे। नाउ ऑप्शन बी इज इंटरोगेसिस, अब इंटरोगेसिस क्या होता है, इंटरोगेटरीज जो है सेक्शन 30 में दिया हुआ है ऑर्डर 11 ऑफ सीपीसी में, ये सिर्फ जो है क्वेश्चनेयर के फॉर्म में आता है जो कि पार्टीज को दिया जाता है। ये इसीलिए दिया जाता है ताकि एविडेंस कलेक्ट किया जा सके। इसका मतलब ये नहीं है कि एक मटेरियल प्रोपोजिशन है जो कि एक पार्टी एक्सेप्ट कर रही है और दूसरी पार्टी उसी फैक्ट को डिनाई कर रही है। यहां वही फैक्ट है, एक फैक्ट है, एक पार्टी एक्सेप्ट कर रही है और दूसरी पार्टी डिनाई कर रही है, इसीलिए इंटरोगेसिस इसमें नहीं आएगा। नाउ थर्ड इज इश्यूज, नाउ एज यू ऑल नो अगर आपने सीपीसी पढ़ा है तो आप सबको पता होगा इश्यूज क्या होते हैं। इश्यूज जो होते हैं कोर्ट फ्रेम करता है और उसमें ये होता है ये जो इश्यूज हैं एक पार्टी इसको एक्सेप्ट करती है और एक पार्टी इसको डिनाई करती है। तो जो राइट आंसर इज इश्यूज एंड मिस जॉइंडर, मैं आपको बता देती हूँ कि मिस जॉइंडर मतलब क्या होता है। मिस जॉइंडर मतलब ये होता है जब किसी पार्टी को मिसटेकनली अपन ने ऐड कर लिया होता है सूट में तो उसे सूट ऑफ मिस जॉइंडर कहते हैं। इसमें कोर्ट ही आपको अलाउ करता है कि आप उस पार्टी का नाम उधर से हटा सकते हो। और जो हम बात कर रहे हैं इश्यूज की, तो इश्यूज कहाँ दिया हुआ है, ऑर्डर 1 रूल 14 में दिया हुआ है फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज के बारे में, जिसमें ये लाइन क्लियरली वहीं से आपको दी हुई है कि इश्यूज अराइज व्हेन मटेरियल प्रोपोजिशन ऑफ फैक्ट और लॉ इज अफर्म्ड बाय वन पार्टी एंड डिनाइड बाय द अदर पार्टी। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बात करता है इफ अ पार्टी हु हैज बीन परमिटेड टू अमेंड द प्लीडिंग्स डज नॉट अमेंड अकॉर्डिंगली, यहां पार्टी को परमिट किया गया है कि आप अमेंड कर सकते हैं बट वो अमेंड नहीं कर रहे हैं विद इन डैश फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, ही शैल नॉट बी परमिटेड टू अमेंड आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ सच लिमिटेड टाइम अनलेस टाइम इज एक्सटेंडेड बाय द कोर्ट। नाउ ये जो है ऑर्डर 6 रूल 17 में दिया है, ऑर्डर 6 रूल 17 बात करता है अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स के बारे में।
और इसमें क्लियरली दिया गया है कि अगर कोर्ट आपको डायरेक्ट करता है कि आप प्लीडिंग्स को अमेंड कर सकते हो, तो जितना प्रिस्क्राइब्ड टाइम है आपको उसमें अकॉर्डिंगली आपको अमेंड करना है प्लीडिंग्स में। और अगर कोई प्रिस्क्राइब टाइम नहीं है तो जो टाइम दिया है वो है 14 डेज। 14 डेज के अंदर आपको अमेंड करनी है प्लीडिंग्स को। नाउ सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन 6 टॉक्स अबाउट इन अ रेस सब्जुडाइज मैटर विच सूट विल रिमेन पेंडिंग। नाउ अब रेस सब्जुडाइज मैटर क्या होता है? नाउ जब हम बात कर रहे हैं रेस सब्जुडाइज मैटर की, रेस सब्जुडाइज मैटर मतलब ये होता है कोर्ट प्रिवेंट करता है आपको ट्रायल ऑफ सूट। अगर एक सूट ऑलरेडी पेंडिंग है सेम मैटर में, मतलब अगर पार्टी सेम है, बोथ दी पार्टी सेम है, मैटर सेम है, इशू सेम है, और अगर आप पहले ही कोर्ट में जाके उसके बारे में ट्रायल इशू हो चुका है, तो आप दूसरा सूट फाइल नहीं कर सकते हो। ये बार करता है आपको कि आप दूसरा सूट फाइल नहीं कर सकते हो। तो इसमें ये पूछा है इन रेस सब्जुडाइज मैटर विच सूट विल रिमेन पेंडिंग। नाउ अगर प्रीवियस सूट है आप सब्सिक्वेंट सूट लगाओगे, तो ये जाहिर सी बात है, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है इधर, कि जो सब्सिक्वेंट सूट है उसको ही पेंडिंग रिमेन किया जाएगा, प्रीवियस सूट को चलाया जाएगा, क्योंकि वही पार्टीज हैं और वही मैटर इन इशू हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बात करता है आफ्टर पासिंग ऑफ अ डिक्री फॉर पेमेंट ऑफ मनी, डिक्री हुई है पेमेंट ऑफ मनी पास करने के लिए ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द जजमेंट डेटर। जजमेंट डेटर ने एप्लीकेशन लगाई थी जिसमें कोर्ट ने डिक्री पास करी पेमेंट ऑफ मनी की। द कोर्ट में ऑर्डर फॉर पेमेंट ऑफ डिक्रीटल अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट। अब इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस सच एज ऑर्डर में बी पास्ड। अब ये इंस्टॉलमेंट में पास करना है, ये कौन ऑर्डर देगा? कोर्ट ऑर्डर देता है कि आप जो डिक्रीटल अमाउंट है वो इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो, बट ये कौन से सर्कमस्टेंसेस में बोला जाएगा? सो ये बात करता है ऑर्डर 20 रूल 11 क्लॉज 2। नाउ आपको समझना होगा ऑर्डर 20 रूल 11 क्लॉज 2 बात करता है इसके बारे में, जहां डिक्रीटल अमाउंट की बात है, इंस्टॉलमेंट की बात की जा रही है कि इंस्टॉलमेंट में अलाउ करता है, तो कौन से सर्कमस्टेंसेस में करेगा? रूल 11 क्लॉज 2 क्लियरली बोलता है व्हेन द डिक्री होल्डर हैज गिवन द कंसेंट। जिसके जो डिक्री होल्डर है अगर वो अलाउ करता है कि ठीक है इंस्टॉलमेंट में पेमेंट दे दे, तभी कोर्ट ऐसे सर्कमस्टेंसेस में पास करता है, मतलब डिक्री होल्डर का कंसेंट होना बहुत जरूरी है। नाउ ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, इसीलिए हम आंसर्स को टर्मिनेट नहीं कर रहे हैं, नहीं तो ऐसा होता है कि हम किन्हीं दो क्वेश्चन को, दो ऑप्शंस को टर्मिनेट कर देते हैं एंड देन वी डिसाइड कि किन में से हमें अपना आंसर चूज करना है। इन दिस सिचुएशन बिकॉज दिस इज द डायरेक्ट क्वेश्चन, हम डायरेक्टली आंसर बताते जा रहे हैं और मैं आपको उस आंसर का एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन कर रही हूं। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज आर द डायरेक्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। आपको ध्यान देना है एट व्हाट स्टेज ऑफ सूट कोर्ट में अलाउ अमेंडमेंट ऑफ द प्लीडिंग्स। ऐसा कौन सा स्टेज है सूट का जहां कोर्ट अलाउ करता है अमेंडमेंट ऑफ द प्लीडिंग्स। नाउ अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स कहां बात हो रही है? ऑर्डर 6 रूल 17 में। वहां ये बकायदा दिया हुआ है कि जब तक एट एनी स्टेज ऑफ द प्लीडिंग्स चल रही है आप तब तक अमेंडमेंट कर सकते हो, बट आप कब अमेंडमेंट नहीं कर सकते हो? जैसे ही कमेंसमेंट होता है ट्रायल का, तब आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते। इस सिचुएशन में भी आप अमेंडमेंट कर सकते हो अगर कोर्ट को यह लगेगा कि कोई ऐसा फैक्ट आ गया है जो आपके ड्यू डिलिजेंस के बाद भी आप उसको नहीं पकड़ पाए थे, तब वो अलाउ कर सकता है, बट तब तक के लिए जब तक चल रही है प्लीडिंग्स तब तक आप किसी भी स्टेज में, एट एनी स्टेज ऑफ द सूट बट बिफोर द जजमेंट। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बात करता है, एक्चुअली क्वेश्चन नंबर नाइन बात करता है अ पर्सन डिटेन्ड इन द सिविल प्रिजन इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री शैल बी डिटेन्ड फॉर हाउ मच पीरियड वेर द डिक्री इज फॉर द पेमेंट ऑफ सम ऑफ मनी एक्सीडिंग 2,000 rupees बट नॉट एक्सीडिंग 5,000। मतलब 2,000 से ज्यादा एंड 5,000 से कम।
नाउ अगर 5000 से कम है और 2000 से ज्यादा है तो कितने टाइम तक के लिए आप उसको सिविल प्रिजन में रख सकते हो। नाउ जो आंसर 9 है वो बात करते हैं जो सेक्शन 58 क्लॉज 1 क्लॉज बी बात करता है इसके बारे में। पर्टिकुलरली क्लॉज बी डायरेक्ट बात करता है अगर अमाउंट एक्सीड हो रहा है 2000 रुपए से ज्यादा एंड बट इट इज लेस देन 5000 रुपीज, सो द डिटेंशन शैल नॉट बी फॉर एक्सीडिंग 6 वीक्स। 6 वीक्स से ज्यादा एक्सटेंड आप नहीं कर सकते हो डिटेंशन को। जो सेक्शन 58 बात करता है वो डिटेंशन के बारे में बात करता है। Here, now, question 10 बोलता है, within what period from the date of service of the summon on the defendant, he shall file the written statement for his defense. जैसा कि मैंने आपको पिछले questions में बताया, the plaint is filed by plaintiff, first the plaintiff filed and then defendant files the written statement. Now, What this question is asking बच्चों is very clear कि आपको कितने दिन में आपको रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करनी है डिफेंस के लिए, कितने दिन में आप फाइल करोगे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी बिकॉज 30 डेज के अंदर द कोर्ट प्रोवाइड यू 30 डेज। ऑर्डर 8 रूल 1 बात करता है इसके बारे में कि आपको 30 डेज के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करना है। नाउ आई हैव मेड यू क्लियर ऑल दीज थिंग्स बिकॉज दीज 10 क्वेश्चंस वर डायरेक्ट क्वेश्चंस। आपको ऑर्डर रूल एंड सेक्शंस क्लियरली याद होने चाहिए और ये बहुत बेसिक से क्वेश्चंस है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस है और इसीलिए इनके आंसर जो थे डायरेक्ट आंसर्स थे। आई होप आप सबको ये 10 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, हैव अ नाइस डे।